हेलो स्टूडेंट स्वागत है आपके इस चैनल पे इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षक मंडल रायपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में फरवरी माह में जारी किए गए असाइनमेंट नंबर सिक्स का संपूर्ण हल लेकर आए हैं यह कक्षा दसवीं और विषय गणित का असाइनमेंट है देखिए इस असाइनमेंट के सभी प्रश्नों के आंसर आपकी बुक से ही लिए गए हैं कोई भी आंसर आपकी बुक से बाहर का नहीं है इस वीडियो की मदद से आप अपने असाइनमेंट को बेहतर तरीके से बना सकते हैं और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे लिखे सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा दें जिससे आपको आने वाले हर एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट आसानी से प्राप्त हो सके तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न क्या है आपके असाइनमेंट गणित का देखते हैं प्रश्न पहला निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए देखिए इस असाइन में माध्य माध्य का बहुलक ये तीनों निकालने के लिए पूछा गया है तो सबसे पहले क्या है माध्य ज्ञात कीजिए तो इस प्रकार इसे टेबल बना लेंगे महिला शिक्षकों की संख्या राज्यों की संख्या तो इसका हल लिख लेंगे इसका हल इस प्रकार है सर्वप्रथम उस सीमा और निम्न सीमा के बीच मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं तो इस पॉइंट को लिख लेंगे अच्छे से नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे टेबल बना लेंगे ये टेबल बनाना बहुत जरूरी है महिला शिक्षकों की संख्या राज्यों की संख्या और ये मध्य बिंदु निकाल लेंगे उसके बाद एफ एक्स निकाल एफ एक्स फार्मूले में यूज होता है इसको अच्छे से लिख लेंगे हर एक पॉइंट को हर एक टेबल हर एक कॉलम को अच्छे से लिख लेंगे इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है समांतर माध्य का फार्मूला ये होता है ओके इसमें फार्मूले में इसको पुट कर देंगे और ये आ जाएगा आपका थर्टी टू पॉइंट एट सेवन फाइव बत्तीस दशमलव आठ सात पाँच ये इसका आंसर हो जाएगा ये हो गया आपके पहले प्रश्न का आंसर नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं प्रश्न नंबर टू में किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित श्रेणी में दी गई है इसके प्राप्तांक की माध्यिका ज्ञात कीजिए देखिए इसमें क्या बोला गया है माध्यिका निकालना है ओके तो इसमें भी आप इसे तालिका बना लेंगे प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या तो इसका हल इस प्रकार लिखेंगे प्राप्तांक बना लेंगे उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या संचाई बारंबारता निकालते हैं ये याद रखेंगे माध्यिका में संचाई बारंबारता निकालते हैं ये कैसे निकालते हैं पहले प्लस करेंगे इसके बाद प्लस में ट्वेल्व को ऐड कर देंगे थर्टीन इसमें ऐड करते करते जाते हैं इसको जोड़ते जाते हैं देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं यहाँ फिर इस पैराग्राफ को लिखेंगे इसको सॉल्व करते जाएंगे वर्ग की माप एच है मध्य वर्ग के बार इन सभी को लिख लेंगे उसके बाद इस प्रकार इसमें माध्यिका के जो फार्मूला होता है उस फार्मूले में सभी का मान एड कर देंगे पुट कर देंगे इस प्रकार इसको सॉल्व करते जाएंगे स्टेप बाई स्टेप स्टेप बाई स्टेप ये आपका आंसर हो जाएगा थर्टी वन पॉइंट फाइव सिक्स होगा ओके इसको जरूर लिखेंगे अतः परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्त अंक का माध्यिका इकतीस दशमलव पाँच छः होगा ये हो जाएगा इसका आंसर नेक्स्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए अब इसमें क्या पूछा गया है बहुलक पूछा है इसको इस प्रकार लिख लेंगे हल लिख लेंगे उपयुक्त आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता बना लेंगे कितने हो जाएगा बारंबारता सोलह इसको हर एक स्टेप को स्टेप बाइ लिखते जाएंगे ये बाहुलक का फार्मूला होता है देखिए फार्मूला जरूर याद रखेंगे फार्मूला बहुलक का माध्यय का माध्यिका का नेक्स्ट आते हैं इस फार्मूले में सभी का मान पुट करने पे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते जाएंगे ये हो जाएगा इसका मान लास्ट में इसका पूरे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा अतः विकेट की विकेटों की संख्या का बहुलक एक सौ छत्तीस दशमलव छः छः होगा ये हो जाएगा इसका आंसर अच्छे से इसको लिख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए इसमें फिर से एक बार माध्यिका पूछा गया है सबसे पहले इस प्रकार के टेबल बना लेंगे वर्गान्तर आवृत्ति और संचाई आवृत्ति ओके इसमें एन बराबर है थर्टी टू नेक्स्ट में करेंगे माध्यिका अंक ये सभी को लिख लेंगे ये हो जाएगा माध्यिका का, का फार्मूला उसके बाद सभी को स्टेप बाई स्टेप लिखते जाएंगे इस प्रकार फिर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे इसको लिखते जाएंगे और यहाँ फार्मूले में सब का मान रख देंगे उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा छब्बीस इसका आंसर आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स ये हो गया इसका आंसर अब लास्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव निम्न सारणी की बहुलक ज्ञात कीजिए बहुलक पूछा गया है वर्गातर आवृत्ति ये सब दे दिया गया है हल करेंगे तालिका से स्पष्ट है कि बहुलक वर्ग बीस और तीस है इसको स्टेप बाय स्टेप फिर से लिखते जाएंगे सभी मान लिखेंगे बहुलक वर्ग की आवृत्ति बहुलक वर्ग ठीक पहले की आवृत्ति ठीक की बाद की आवृत्ति वर्ग का माप इन सभी का मान लिख लेंगे उसके बाद सिंपल से इस फार्मूले में क्या करेंगे सभी को रख देंगे उसके बाद फार्मूले में रखने के बाद इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स पॉइंट एट सेवन इसका आंसर हो जाएगा सो so गाइस इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर न भूले और अन्य सब्जेक्ट का असाइनमेंट देखने के लिए सीधे लिंक में क्लिक कर सकते हैं या मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और यदि आपको इसका पी चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करके इसका पी भी प्राप्त आप कर सकते हैं थैंक यू सो मच